तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि इन दिनों जो है फरमानी नाच कितने ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल में चल रही हैं और इनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। और इसी को लेकर जो है उनके पति का एक रिएक्शन आया है, क्योंकि फरमानी नाच का कहना है कि उनको और उनके बच्चे को उनके पति ने छोड़ दिया था करीब 4 साल पहले, क्योंकि उनके बच्चे में जो है दिल में होल था, इसीलिए उनको छोड़ दिया, उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन इसी बीच जो है पति का रिएक्शन आया है और काफ़ी हैरान कर देने वाला उन्होंने खुलासा किया है, तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आगे और भी वीडियो दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चक्कर बैठा हूँ, मुझे एक बात और बताएं, अगर आपको कहा जाए कि बीजेपी पसंद है कांग्रेस, क्या कहोगे? मुझे से भी योगी और मोदी पसंद, इसलिए मेरे भाई अपने दम पे काम करना स्टार्ट कर दूं। मतलब आप पसंद करते हैं योगी जी? योगी और मोदी, चाय वाला और गाय वाला, बुलडोजर बाबा मेरे को बहुत पसंद है। गाय वाला कैसे होगी? गाय वाला, अरे भैया नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम इमरान है। इमरान, फरमानी नाज आप ही की पत्नी है जी? मेरी पत्नी है जी। कब शादी हुई थी जी? 24 मार्च 2017 में हुई थी जी। अच्छा, लेकिन ये क्या हुआ कि फरमानी नाच चली गई और उसके बाद ये सब प्रकरण सामने आ रहा है? वो कह रही हैं कि आप उनको परेशान करते थे, परिवार उनको परेशान करता था, क्या है सच्चाई क्या है जी? सच्चाई यही है जी, हमारे शादी होने के बाद जी 1.5 साल बाद लड़का पैदा हुआ। पैदा होने के बाद जी वहाँ पे, पैदा होने के बाद जी यहाँ से जी उनके पापा लेने जैसे राजी खुशी चले जाते हैं। देखे जी, मैं कई बार वहाँ पे गया भी था, ये उन्होंने नहीं भेजी मेरे साथ। मैं दूसरी बार गया जी, अपने माँ बाप को ले गया हूँ, भैया को ले गया हूँ जी, नहीं भेजी जब भी जी। मैं आके यहाँ पे मैं अब भी इंतज़ार कर रहा हूँ जी लाने का, तीन साल से प्रयास कर रहा हूँ और जी नहीं आ रही है। तो क्या जब आपके संग फरमानी नाच की शादी हुई, आप दोनों एक साथ रहते थे, तो कुछ लड़ाई झगड़ा होता था किसी बात को लेकर? आप क्या ड्रिंक व्रिंक करते हो? जी नहीं, मैं कुछ ड्रिंक नहीं करता। राजी खुशी गई है जी, बिल्कुल राजी खुशी हाथ से गई है, पापा ले गए जी उनके। तो ये क्यों हो रहा है, वो क्यों आरोप लगा रही है आकर? क्यों ये कह रही है कि आप परेशान करते थे, आपने ये कहा कि ये बच्चा तो दिक्कत, ये बच्चे के तो नाक और मुंह का एक ही छेद है, इसको ले जा अपने घर पे जाके इलाज करा इसका, यहाँ से चली जा, पैसे लेकर आ जी। ऐसा कुछ नहीं है सब जी, मेरे पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कोई अपना बच्चा कैसे छोड़ देगा ऐसे? मुझे कम से कम 4 साल हो गए जी, 4 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगता जी, धोखा दिया उसने मुझे। कई दिन से प्रयास अब भी यही लाने का कर रहा हूँ जी, SSP ऑफिस में कई बार चक्कर काटते हो गए मुझे 3 साल से, कोई सुनवाई नहीं हो रही, भी उसकी सुन लेता है जो भी सुनता, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 साल से आपके बच्चे की याद आ रही है जी? याद आ रही, मैं कहीं मिलने भी जाता हूँ जी, भगा देते हैं मुझे जी। राहुल नाम का जी एक बार तो मेरे साथ मेरे में टक्कर मार देता है, PC रोड पे सिसोली में जी, यहीं आते हैं इनके जो फरमानी नाच के मामा रहते हैं सिसोली में, मैं साइकिल से जाता हूँ काम पर, मैं उनका साया था जी, मैंने देख लिया था उन्हें बैठे हुए, ये फरमान था फरमानी थी और उसमें जी राहुल था जी, मेरे में जूतीन पर क्रेटा जी, उससे टक्कर मार दे जी। हाँ, वैन्यू नई गाड़ी, उसमें टक्कर मार दी थी, बच गया जी, अभी मैं गिर गया था, मेरा सारा पैर छुला पड़ा है वाला। अब भी ये अभी 7-8 महीने बाद की घटना है जी, 8 महीने हो गए। तो यहाँ से जब वो गई तो कुछ लड़ाई झगड़ा होके गई थी, क्या बात थी? मतलब यहाँ से जब गई, वो गई तो कैसे गई, क्या लड़ाई झगड़ा थी? आपने कुछ कहा कि जा तू जाए जी? राजी खुशी आए थे, उनके पापा आए थे, वालिद आए थे, राजी खुशी आए थे, राजी खुशी यहाँ से गए हैं, कोई हमारा कोई नहीं झगड़ा था ना कोई कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत से ये इनके पापा ये कह गए थे कि मैं लड़के को 2-4 दिन भेज दूँगा, थोड़ा दिन यहाँ रह लेगी जो। उसके बावजूद भी मैं लेने भी गया, अपने लड़के से मिलने गया था, उन्होंने ये कह दिया कि बिल्कुल नहीं भेजने के। जब मैं दोबारा गया था पापा को लेके, तो उन्होंने कह दिया कि अभी नहीं भेजने के। ये थोड़े दिन बाद उन्होंने गाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, सुन जाने के बाद जी फिर हम दोबारा गए लेने, चलो कैसे क्यों घर पर बात करने के चक्कर में लग रहे हो तुम। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बनना है, मुझे स्टार बनना है, स्टार बन जाऊंगी, आ जाऊंगी जी। अब तो वो स्टार ही बन गई, सारे काम हो गए, आ रही क्यों नहीं है जी सर नू बताऊँ।
जैसा कि फ्रेंड्स आपने सुना फरमानी नाज के पति को, और उन्होंने जो है फरमानी नाज को ही कसूरवार ठहराया है। और आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि बगैर वजह के कोई किसी को नहीं छोड़ता है। फिलहाल इनके पति का कुछ ना कुछ तो कसूर जरूर से रहा होगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो हेडलाइन इंडिया एक यूट्यूब पर चैनल है जिस पर इनका इंटरव्यू अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आगे एक और वीडियो दिखाते हैं जो इंद्रो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक बूढ़ा शख्स जो है कैसे भीख मांगता है, और इसे जो है इसलिए भीख मांग रहा है कि इसे एक हेलीकॉप्टर खरीदना है। नंबर है ना 88 57 56 01 25। फिर आप कैसे निकालो, आपके पास ये हमारे बच्चे का नंबर है, जब चाहे निकलवा लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि ये शख्स इसलिए भीख मांग रहा है कि इसे जो है भीख के पैसे इकट्ठे करने हैं और उससे एक हेलीकॉप्टर खरीदना है। तो काफ़ी अजीब और गरीब लगता है सुनने में और देखने में। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट से लिख सकते हैं। और ऐसे ही सोशल मीडिया अपडेट को पाते रहने के लिए चैनल तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।